एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आप हमारे साथ बोलिए, एक तू सच्चा, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। दुनिया जहान को जमीन आसमान को बनाने वाला परमात्मा एक है, हैं? आप सुनिए हमारी बात जो बता रहे हैं। उसी ने देवताओं को बनाया, फरिश्तों को बनाया, सिद्धों को बनाया, इंसानों को बनाया, पशु पक्षी जानवर, हैं? इस दुनिया को, सूरज चांद को उसी ने बनाया। उसी के हुक्म से हम लोग इस दुनिया में आते हैं, जब तक की उम्र होती है यहाँ रहते हैं, जब उसका हुक्म होता है तो वो वापस हमें बुला लेता है। सबसे पहला हमारा फर्ज बनता है उस परमात्मा का नाम लेना, उसका धन्यवाद करना है। तो रात दिन आप लोग उस प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। सुख मिले हैं, दुख मिले हैं, ये हमारे कर्मों के फल होते हैं। वो परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, दुखों को दूर करने वाला वो है। जब भी हम उसे याद करते हैं तो हमारी आत्मा में, दिल में रोशनी हो जाती है। जहाँ बैठ के भी तुम उसको याद करोगे, तुम्हारे दिल में रोशनी हो जाएगी। तो उस प्रभु को पुकारने का एक तरीका है, ए परमात्मा तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ठीक है, वो एक ही है, उसके यहाँ जात पात मजहब का कोई मतलब नहीं। वो ये देखता है इंसान अच्छा है या बुरा है, इसके आमाल अच्छे हैं या बुरे हैं। दुनिया में दो ही तरह के इंसान हैं, अच्छे इंसान और बुरे इंसान। हे परमेश्वर, तू हमारा नाम अपनी पवित्र आत्माओं में लिख। उस प्रभु से हम प्रार्थना करें, हमें जन्म देने वाले हमारे सृजनहार परमात्मा, बुरे लोगों में हमारा नाम तू मत लिखना। हमारी आत्मा में ऐसी रोशनी दे जो हमारा जीवन बाकी है दुनिया में वो बुराइयों में ना लगे, दूसरों की बुराई हम ना देखें, आपस में हम लड़ें भिड़ें नहीं, प्यार से रहें, एक दूसरे की मदद करें, और हे परमात्मा हम तुझे याद करते रहें। ठीक है ना? अपने बच्चों को हम पालते हैं बचपन से, उंगली पकड़ के उनको चलना सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके खर्चे उठाते हैं, उनके नाज उठाते हैं, उनकी जिदें पूरी करते हैं। बड़े होके वे बच्चे हमारे साथ क्या सलूक करते हैं ये उनकी बात है, हैं? उनका दिमाग कैसा हो जाता है, क्या वो सोचते हैं, ये उनकी बात है। माँ बाप का फर्ज होता है अपनी औलाद को पढ़ा लिखा के काबिल बना देना। तो इसी पे कुछ लाइनें हम सुना रहे हैं। जिन बच्चों को हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन बच्चों को हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, रोते हुओं को बार बार अपने सीने से लगाया। छोटे बच्चे हैं, हैं? जिद करते थे हमसे, ये खिलौने हम लेके रहेंगे, ये आम ये केले ये संतरे हम लेके रहेंगे, और उनको दिलाते थे पिता, हैं? दिलाते, मुझको तो नीला सूट चाहिए, सफ़ेद जूते चाहिए। बच्चे स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, बड़े हो जाते हैं, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती चली जाती हैं। वो लड़का कहता है, पापा अब्बू मुझको तो नीला सूट चाहिए, सफ़ेद जूते चाहिए, सफ़ेद जूतों के नीले फीते होने चाहिए, ऐसा जूता चाहिए, लिवा के लाओ चाहे कितना ही महंगा है।
मुझको तो नीला सूट चाहिए, सफ़ेद जूते चाहिए, सफ़ेद जूतों के नीले फीते होने चाहिए। स्कूल के टूर में पापा, कुल्लू मनाली हमें जाना है ज़रूर। स्कूल के टूर में पापा, कुल्लू मनाली हमें जाना है ज़रूर, और 6000 पर्सनल खर्चा भी हमें चाहिए ज़रूर। कहीं से भी करके दो, हमें तो चाहिए। बच्चे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, आप हमें दो, किसी से उधार मांग के दो, नहीं तो हमारे साथ के बच्चे हमारी हंसी उड़ाएंगे। फिर वो वक्त आया जब बेटा बड़ा हो गया, स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। फिर वो वक्त आया जब बेटा बड़ा हो गया, शादी नीलू से ही करूँगा, सबके सामने अड़ गया। अपनी जात की नहीं है, दूसरे ख़ानदान की है, दूसरी बिरादरी की है, पर अड़ गया, या तो मर जाऊँगा या इसी से करूँगा। बच्चे की खुशी के लिए वहीं पे हमने शादी भी कर दी। फिर वो वक्त आया जब बेटा बड़ा हो गया, शादी नीलू से ही करूँगा, सबके सामने अड़ गया। शादी हो गई, छोटे छोटे बच्चे भी हो गए। शादी हो गई, छोटे छोटे बच्चे भी हो गए, और ना जाने कब किस दिन माँ बाप दुश्मन हो गए। बहू के घर में आते माँ बाप दुश्मन हो गए, बुरे दिखाई देने लगे। शादी हो गई, छोटे छोटे बच्चे भी हो गए, और ना जाने कब किस दिन माँ बाप दुश्मन हो गए। पत्नी ने कह दिया इन बूढ़ों के साथ अब मैं रह नहीं सकती। पत्नी ने कह दिया इन बूढ़ों के साथ, तेरे माँ बाप के साथ अब मैं रह नहीं सकती, इनको सह लिया है बहुत, अब आगे सह नहीं सकती। इस घर में या तो मैं रहूँगी या ये बूढ़े रहेंगे। इस घर में अब या तो मैं रहूँगी या ये बूढ़े रहेंगे, एक साथ मिलकर अब नहीं हम सब रहेंगे, मैं इनके साथ नहीं रह सकते। बूढ़े माँ बाप ने कलह से तंग आकर के ये कहा, बूढ़े माँ बाप ने घर की कलह से तंग आकर के ये कहा हमारी वजह से बेटे तुमने दुख बहुत सहा, हमारी वजह से बेटे तुमने दुख बहुत सहा, हमारा क्या है, हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके। हमारा क्या है, हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके, इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छा बुरा देख चुके। इस दुनिया में हम बहुत अच्छा बुरा देख चुके, तुम ठीक से रहो बेटा, हम ओल्ड एज होम चले जाएंगे, वृद्धाश्रम चले जाएंगे, हैं, तुम खुश रहो, तुम आराम से रहो, तुम ठीक से रहो बेटा, हम ओल्ड एज होम चले जाएंगे, बाकी अपना वक्त खुशी से बिताएंगे, तुम हमारी फिक्र मत करना, चिंता मत करना, तुम ठीक से रहना। भगवान तो पहले ही सो रहा था सीर सागर में कहीं, नारायण विष्णु दिखाए जाते हैं सीर सागर में, सांप के ऊपर देवता है वो सो रहा है। भगवान तो पहले ही सो रहा था सीर सागर में कहीं, मुंह को ढक लिया उसने, इस दुनिया को मैं देख सकता नहीं, इसके जो आमाल हैं, मुंह ढक लिया उसने कि इस दुनिया को मैं देख सकता नहीं, हे भगवान तू भी ना देखेगा तो हमें कौन देखेगा। हे भगवान तू भी ना देखेगा तो हमें कौन देखेगा, मजबूर बूढ़ों के बहते आंसू कौन देखेगा। हे भगवान तू भी ना देखेगा तो हमें कौन देखेगा, मजबूर बूढ़ों के बहते हुए आंसू कौन देखेगा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। हे परमेश्वर किस लिए तूने मोह भरा संसार बनाया, हे परमेश्वर किस लिए तूने मोह भरा
संसार बनाया, कोहरे से सूरज को ढका, अपनों के प्यार में हमको रुलाया। कोहरे से सूरज को ढका, अपनों के प्यार में हमको रुलाया। अंतरिक्ष पृथ्वी के बीच में इंसान अकेला है खड़ा। अंतरिक्ष पृथ्वी के बीच में इंसान अकेला है खड़ा। दुख वेदनाओं की कीलों से खुद को ही खुद ने है जड़ा। हमारे कर्म, हमारे अमाल ही हमारे सामने आए हैं, जो ये दुख तकलीफ और घर से हमें दूर होना पड़ा है। किसी की कोई कमी नहीं है। फूल संदे वाले बाबा कहते, निराश कभी मत होना तुम। फूल संदे वाले बाबा कहते, निराश कभी मत होना तुम। कर कर के याद अपनों को, अकेले में मत रोना तुम। फूल संदे वाले बाबा कहें, निराश कभी मत होना तुम। कर कर के याद अपनों को, अकेले में मत रोना तुम। वो परमेश्वर आज भी तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। वो परमात्मा आज भी तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। स्वर्ग के गुलशन में वो तुम्हारा इंतज़ार करता है। स्वर्ग के गुलशन में वो तुम्हारा इंतज़ार करता है। अपने देवदूतों को वो भेजता है तुम्हारे पास। अपने देवदूतों को, फरिश्तों को वो भेजता है तुम्हारे पास। खुश रहना मेरे बच्चों, मत कभी होना उदास। खुश रहना मेरे बच्चों, मत कभी होना उदास। मैं तो आज भी तुम्हारे हूँ आसपास। मैं तो आज भी हूँ तुम्हारे आसपास। तुम्हारे कंधे पर मैंने रखा हुआ है अपना हाथ। तुम्हारे कंधे पर मैंने रखा हुआ है अपना हाथ। हर वक्त मेरे प्यार को महसूस करते रहना तुम। परमात्मा कहता है, हर वक्त मेरे प्यार को महसूस करते रहना तुम। स्वर्ग की खुशबुएं अपनी सांसों में भरते रहना तुम। सूरज की किरणें रोज मेरा लेकर के आती हैं उपहार। सूरज की किरणें रोज मेरा लेकर के आती हैं उपहार। नक्षत्रों की किरणें रोज देती हैं तुम्हें मेरा प्यार। खुश रहो, हंसते रहो, एक दूसरे के काम आओ। अंतिम शब्द हैं ये। खुश रहो, हंसते रहो, एक दूसरे के काम आओ। औरों को खुश देख के अपने दुखों को भूल जाओ। औरों को खुश देख के अपने दुखों को भूल जाओ। औरों को खुश देख के अपने दुखों को भूल जाओ। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, एक तू सच्चा। ए परमात्मा, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये उस परमात्मा का मंत्र है। आप सभी इसको जपते रहना, बार बार इसको अपने हृदय में याद करते रहना। आपको रोशनी मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, साहस मिलेगी, बल मिलेगा। हैं, आप कभी अपने को अकेला मत समझना। नमस्कार।